अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आज मैं आपके साथ अंडे के कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं और इसे बनाना भी काफी आसान है। तो फिर चलिए इस मजेदार से अंडे के कबाब यानी अंडे की टिक्की हम बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ ही बेल के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो फिर चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने 3 बॉइल्ड आलू ले लिए हैं। तो ये 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू हैं जिसका मैंने छिलका रिमूव कर लिया है। तो आलू को हम सबसे पहले ग्रेट कर लेंगे। अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है तो आप इसे मैश भी कर सकते हैं। आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं और इसके बाद देखिए ये मैंने 1 बॉइल्ड एग ले लिया है, इसे भी हमें ग्रेट कर लेना है। तो ये तकरीबन मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं उबले हुए, तो ये तीनों अंडों को हमें अच्छे से ग्रेट कर लेना है। तो चलिए हमने तीनों अंडों को ग्रेट कर लिया है, तो इसे हम साफ कर लेते हैं क्योंकि हमें कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हमें इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, जैसे कि ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें प्याज कटी हुई, बारीक चॉप की हुई प्याज है ये 1 मीडियम साइज की, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें ये 4 मीडियम साइज की बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। और इसके बाद ये देखिए ये मैंने धनिया और पुदीने को साथ ही मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून लिया है। तो ये मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर कबाब में बहुत ही अच्छा आता है। और इसके बाद में इसमें बारी आती है मसाले ऐड करने की, तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, और ये 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है सूखा साबित धनिया पाउडर, और ये कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर दी है 1 टीस्पून, और इसके बाद मैंने इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी का ऐड कर दिया है, और ये 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, और ये चाट मसाला पाउडर जो कि ये भी मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, और ये 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है गरम मसाला पाउडर। और ये इसके बाद देखिए ये मैं इसमें 1/2 कप कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। तो इसे हम डाल देते हैं बाउल में। तो बस अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, लेकिन ये जो बैटर है ये थोड़ा सा गीला लग रहा है, तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और ऐड कर दिया है। तो बस इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, तो इसके अब हम कबाब तैयार कर लेंगे। तो जितनी साइज़ के आप कबाब बनाना चाहते हैं उतना बैटर आप हाथ में ले लें और इस तरह से इसके कबाब बनाकर तैयार कर लें। तो ये देखिए ये हमारी 1 टिक्की बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से हमें इसकी सारी टिक्की सारे कबाब हमें इसके बनाकर तैयार कर लेने। तो इसे हम रख देते हैं प्लेट में और इसी तरह से हमें सारी टिक्कियाँ बनाकर रख लेनी है। तो चलिए अंडे के सारे कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। तो इतने बैटर में हमारी 18 टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं, आपकी कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो अब हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो ये मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल गरम कर लिया है, तो इसमें हमें एक एक करके ये अंडे के कबाब डालते जाने हैं और इसे दोनों साइड से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। और गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है, मीडियम फ्लेम पर हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, तो इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे। तो ये फ्राई हो चुके हैं, इसे हमने दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो इसे हम ऑयल से निकाल लेंगे। और इसी तरह से हमें बाकी के सारे कबाब भी फ्राई कर लेने हैं। तो लीजिए तैयार है हमारे अंडे के मज़ेदार कबाब। तो आप इसे अपने पसंद की किसी चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये अंडे के कबाब अंडे की टिक्की की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये अंडे के कबाब की रेसिपी कैसी लगी है। तो फिर मिलते हैं किसी और मज़ेदार रेसिपी।